खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां हाथरस जंक्शन स्टेशन पर शुरू हुआ कालका महानंदा व मुरी एक्सप्रेस का ठहराव। आपको बता दें कि पूर्व में हाथरस जंक्शन स्टेशन पर लंबी दूरी की 3 ट्रेनें कालका एक्सप्रेस, मुरी एक्सप्रेस और कटिहार एक्सप्रेस रुकती थी, लेकिन 2019 कोरोना काल के चलते पिछले 3 साल से इन तीनों ट्रेनों का स्टॉपेज हाथरस जंक्शन स्टेशन पर रेलवे प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके कारण लंबी दूरी के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और पिछले 3 साल से लगातार इनके ठहराव के लिए रेलवे अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक तीनों ट्रेनों के ठहराव की गुहार लगाई जा रही थी, जिसको देखते हुए 4 दिन पूर्व हाथरस लोकसभा सांसद राजवीर सिंह दिल्ली रेल मंत्री से मिले और तीनों ट्रेनों के ठहराव की मांग की गई, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों के द्वारा तीनों ट्रेनों को हाथरस जंक्शन स्टेशन पर ठहराव की मंजूरी दे दी गई, जिसका हाथरस लोकसभा सांसद ने कालका एक्सप्रेस ट्रेन के रुकने के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया और तीनों ट्रेनों के ठहराव से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी भी खत्म हुई। तीन ट्रेनें हैं जो इनके स्टॉपेज दिया गया है, कालका, मुंगेर, तीसरा की मांग है। तीनों ही स्टेशन से, तीनों ट्रेन के स्टॉपेज से इस स्टेशन की कनेक्टिविटी आपके हावड़ा से, सिक्किम से, जम्मू से, इधर पंजाब से, दिल्ली से बढ़ी है, तो यहाँ के लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छा दिन है कि आज के दिन से हमारा स्टेशन वेस्ट ऑफ इंडिया से उसकी कनेक्टिविटी और भी बढ़ती है, तो इससे मुझे लग रहा है सभी लोगों को फायदा होगा। पहले कोविड से पहले जब टाइम टेबल को रिवाइज किया गया था, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि तब हमारे पास गुड्स का ट्रैफिक भी ज़्यादा था, जिस वजह से हमारे पास मार्जिन कम था, पाथ की अवेलेबिलिटी कम थी, लेकिन आज हमारे पास DFCC ऑपरेट हो गया है तो कुछ मार्जिन जनरेट हो गया है, हाँ, जिसकी वजह से हम लोग कुछ गाड़ियों का स्टॉपेज बढ़ा सकते हैं, एडिशनल पाथ हमारे पास क्रिएट हो गया, DFCC के लिए चालू होने जा रहा है और वैसे तो मोस्ट ऑफ द गुड्स ट्रैफिक आपका पास होना शुरू हो गया, उस अपॉर्चुनिटी को आज यूटिलाइज किया गया। उसके अलावा आपके यहाँ के लोगों का जो कम्युनिटी का जो प्रयास है उसका भी रिजल्ट है। यहाँ पे पैसेंजर फुटफॉल आपका 4,000 के लगभग का है, जो मुझे बताया गया 3,500-4,000 के लगभग का है, और बाकी भी जो आपने सबसे डिमांड थी कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा टूरिज्म करना चाहते हैं, रिलीजियस टूरिज्म का जो पर्पज है वो सबकी डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर ये जो है हमारा 4,000 से 6,000 इन ट्रेनों की वजह से जो है 5-6,000 तक पहुँच जाएगा। काफ़ी परेशान थी कोरोना काल से, ये तीनों ट्रेनें रुक गई थी, लोगों का सुगम आना जाना भी कुछ बंद हो गया था, जनता त्रस्त थी। मैंने माननीय रेल मंत्री से आग्रह किया, पूरा भरसक प्रयास किया हाथरस की जनता, देवपुर जनता के लिए कि कहीं किसी प्रकार को कोई कष्ट न हो। मैं एक छोटा सा सांसद बनाया पार्टी ने, वो ताकत पार्टी ने और सरकार में जनता ने जो मुझे दी है इसका मैं पूरा निर्वहन करता हूँ। आपके द्वारा भी कहा गया हाथरस जलेसर रोड का मार्ग 30 तारीख तक मेरे हाथ में थे, 5 साल पूरे बीत गए अब तक, ये हाथरस जलेसर मार्ग का उससे काम शुरू हो जाएगा, चिंता मत करना, भी चल रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई झगड़ा परेशान नहीं है, जनता है, हम अपने समझा लेंगे, सब काम करेंगे। ARM महोदय से, अन्य अधिकारीगणों से या ऊपर रेल मंत्री जी से भी बात करेंगे, दूसरी जगह भी कैंटीन बने, दूसरे प्लेटफॉर्म। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आदरणीय योगी जी की सरकार है, कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा, उनके साथ में उनका सांसद भी खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी हुई है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज TV।